नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। मेरी मौत का जिम्मेदार रुस्तम है, उसने मेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। पापा, आप मेरी मौत का बदला उससे जरूर लीजिएगा। ये शब्द एक बेटी के हैं जिसने अपने पापा को अंतिम चिट्ठी लिखी है। जी हाँ, ये शब्द सुसाइड नोट में लिखे गए हैं। जौनपुर में एक किशोरी के सुसाइड नोट से शासन और प्रशासन में हड़कंप मच गया। अपने घर के एक कमरे में साड़ी के सहारे फांसी के फंदे पर लटक किशोरी ने आत्महत्या कर ली, और ये आत्महत्या सिर्फ इसलिए की है क्योंकि रुस्तम उसे चीरता था, उसके साथ गंदा काम किया गया था। इन सब से तंग आकर युवती ने फांसी लगा ली। पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस घटना के बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल है, जिसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यह पूरा मामला जौनपुर का बताया जा रहा है, जहाँ पर गांव की रहने वाली 15 साल की लड़की को कुछ युवक परेशान करते थे। इसको लेकर वह काफ़ी परेशान रहा करती थी। किशोरी मंगलवार की रात को एक कमरे में सोने गई थी। सुबह काफ़ी देर तक कमरे से बाहर नहीं आई तो माँ ने दरवाज़ा खोला तो उनके होश उड़ गए। लड़की पंखे से लटकी हुई मिली थी। यह देखकर माँ चिल्लाने लगी। शोरगुल सुनकर परिवार के लोग भी इकट्ठा हो गए। परिजनों को मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें उसने मौत का जिम्मेदार रुस्तम को ठहराया है। किशोरी ने लिखा कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है, पापा आप मेरी मौत का बदला जरूर लीजिएगा। इस पूरे मामले पर लड़की के पिता का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। यही जो रुस्तम है और ये तीनों का नाम उसमें लिखा है, मतलब, और उसने कहा है कि मतलब मैं इन तीनों की वजह से आत्महत्या कर रही हूँ। तो सुना आपने, लड़की के पिता न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं पुलिस अधीक्षक का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। 15-16 वर्ष की युवती ने गले में साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो सुना आपने, पुलिस लगातार आरोपी को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है। आप भी ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।